Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So continuing with our GS3 Eco Series, the topic for the day is Insider Trading. We come across this term often in the newspaper, so we need to be clear with the meaning of this. So it in involves trading in a public company stocks, meaning listed companies in stock market. Pe, aap unki उनमें ट्रेड कर सकते हो इन्वेस्ट कर सकते हो अभी तक ये वो बोलने की बात कर रहे हैं और अदर सिक्योरिटीज बाय समवन विद नॉन पब्लिक एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक और टर्म जो हम कीवर्ड एसोसिएट करते हैं वो है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बट दैट इज नॉट येट पब्लिक सो इट इज नॉन पब्लिक एंड वो कुछ ही हैंडफुल ऑफ़ दी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस है तो इस इंफॉर्मेशन के एक्सेस पे वो जो हम बोलते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं इवन सिक्योरिटीज में भी उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं तो दैट इज़ वाई वी हैव दिस टर्मिनोलॉजी इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है तो ये शेयर के प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगी तो अगर वो सपोज दे बिलीव की इन्फॉर्मेशन पब्लिक होने के बाद स्टॉक प्राइसेस वुड बी गोइंग अप तो वो पहले ही बिफोर दिस इन्फॉर्मेशन गोज पब्लिक पहले ही वो स्टॉक्स को बाय कर लेते हैंज और जो हम बोल सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोफिट एंड रिटर्न सो इन साइडिंग लीगल है इंडिया में सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि इट इज लीगल वी से कि इलीगल इलीगल है या उसको अलाउ नहीं किया जाता है लीगल है इफ इनसाइडर ट्रेड या जो इनसाइडर मेक्स अ ट्रेड एंड उसको रिपोर्ट भी करते हैं सेबी को बट इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल वो जब होती है जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टिल नॉट पब्लिक तो उस केस में वो इलीगल हो रही है लीगल कब होगी आप इनसाइडर ट्रेड कर रहे हो इनसाइडर मतलब इम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी को हम इनसाइडर बोल रहे हैं हु ही और शी इज डूइंग अ ट्रेड एंड वो इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक हो रही है बाद में सो so वो लीगल हो जाता है बट इफ इट इज नॉट रिपोर्टेड एंड वो इंफॉर्मेशन इट स्टिल रिमेन्स नॉन पब्लिक एंड स्टिल आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो इट बिकम्स अ लीगल सो नॉन पब्लिक मटीरियल इंफॉर्मेशन है मतलब सबस्टैंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है

वो भी डिस्कलोज किए जाते हैं सो डायरेक्टर्स एल्स हु द इंफॉर्मेशन और हु होल्ड्स मोर देन टेन ऑफ एनी क्लास ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटीज उनको हम इनसाइडर्स कंसिडर करते हैं तो जो डायरेक्टर्स हैं और एनी पर्सन हु इज हैविंग एक्सेस टू और इन्वेस्टमेंट ऑफ टेन इन एनी क्लास ऑफ कंपनी सिक्योरिटी दे आर कंसिडर टू बी इनसाइडर एनी वन बिकम्स एन इनसाइडर मस्ट फाइल दिस एस सी सी फॉर्म नंबर थ्री इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी तो ये कुछ कंडीशन है विच दे हैव टू कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एंड अगर कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन करता है तो फॉर्म फोर उनको फिल करना पड़ता है तो ये रेगुलेटरी मेजर्स हैं सो दिस फॉर्म सर्व्स टू नोटिफाई द पब्लिक कि इन साइडर एक्टेड ऑनिकोरिटी मतलब एक्टेड मतलब कि ट्रेड किया है या इन्वेस्ट किया उस सिक्योरिटी में सो आप जब तक आप डिस्कलोजर कर रहे हो तब तक ये प्रैक्टिस लीगल है Apart from this, if you meet the definition of an insider and are filling forms periodically, the trading your company shares is called an insider transaction, and it is only considered illegal insider trading when you do not follow the rules. So, this he, is important aspect. Insider trading is legal in India. Has insider trading a

जेल टर्म भी इम्पोज की जा सकती है सो मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड इंफॉर्मेशन दैट कुड सब्सटली इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइस सो वेन इज इन साइड ट्रेडिंग लीगल सो इट वुड बी लीगल वेन इट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट ऑल द टाइम सो लीगल इन साइडर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं सो क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी स्टेम्स फ्रॉम दी एस सी टू मेंटेन अ फेयर मार्केट प्लेस सो हम बात करते हैं कि सेबी का भी रोल है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग देर इंटरेस्ट सो मेन ऑब्जेक्टिव है सो सिमिलरली गोज विदिंग विद इन साइड ट्रेडिंग ऑल्सो सो इट इज लीगल फॉर कंपनीज इन साइड टू ट्रेडनी स्टॉक एज लॉन्ग एज दे रिपोर्ट दीज ट्रेड टू दी एस सी सीज ऑन टाइम सो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हम इसको इतना ही रखेंगे एंड These are important aspect from the perspective of examination also. So you can ask your doubts. Okay, okay thank you so much for joining us on Insalkari and stay tuned for the regular and detailed answers with us.